ये नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी की जमीन है। यहाँ पहले पूरी दुनिया से लोग आते थे मफलर हटो नहीं यार, शिक्षा के लिए पूरी दुनिया से लोग बिहार आते थे। भैया 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 आप अगर अगर आप पूछते नालंदा के समय अगर आप पूछते भैया यूरोप में इंग्लैंड में आप पूछते भैया किसी युवा से पूछते कहां पढ़ाई करनी है वो आपसे कहता मैं बिहार में जाके पढ़ना चाहता हूं। और आज जब आपके लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहा जाता है ना 3 साल 4 साल 5 साल नहीं आपको नहीं मिलेगी डिग्री नहीं मिल सकती आपको, आपको तो 5-6 साल में डिग्री मिलेगी। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, पूरा ढांचा बंद पड़ा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी नहीं रहे, आप थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आपका काम है वो पूरा करना है। पटना यूनिवर्सिटी जो पूरे देश को रास्ता दिखाती थी, उसकी हालत बिहार का हर व्यक्ति पहचानता है। नरेंद्र मोदी जाते हैं कहते हैं 21वीं सदी में हम शिक्षा को बदल देंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, स्वच्छ भारत, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मोदी जी आपने पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है बता दो मुझे, बिहार के युवाओं को आपने कितना रोजगार दिया? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल में रोजगार दूंगा, यहाँ पे कोई युवा है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो ना? देखिए मैंने वहां पे वायदा किया था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। सब लोग यहाँ आना चाहते थे मगर आज आप शिक्षा के सेंटर नहीं हो। आप जानते हो आज आप किस चीज के सेंटर हो? बेरोजगारी। हेलो, बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। बिहार का युवा पूरे देश में चक्कर काटता है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो भैया करते क्या हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। मोदी जी ने रोजगार दिया ना? नीतीश जी ने रोजगार दिया ना? अच्छा भैया कोई आपसे कहेगा हाँ भैया मैं रोजगार ढूंढने गुजरात गया, मोदी जी को गुजरात गया, वहां मुझे कहा तुम बिहार के हो, मुझे मार के वहां से भगाया गया, महाराष्ट्र गया, वहां से मुझे बीजेपी शिफ्ट सेना के लोगों ने मार के भगाया, कहा वापस भगा बिहार जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मगर आप में कोई कमी नहीं है, आप एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बन सकते हो। एक समय हुआ करता था बिहार का किसान 27% देश की 27% चीनी आप देश को देते थे, आपका किसान देता था।
आज 2% चीनी देते हो आप देश को। आपसे शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, कृषि छीन ली। लंबे लंबे भाषण होते हैं, मोदी जी कहते हैं किसान को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, बोनस छीन लिया। अच्छा, देश में नया फैशन चला है मोदी जी ने, किसान अपनी जेब से पैसा दे, बीमा के लिए पैसा दे। हर गांव में, हर प्रदेश में अपने जेब से पैसा निकाल के बीमा के लिए दे के भैया कभी बारिश आएगी, ओला गिरेगा, आंधी आएगी, मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। पता लगता है वो भी पैसा अनिल अंबानी की जेब में, नीरव मोदी की जेब में। मोबाइल से नहीं होगा, बहुत दूर है ना, एरिया है। बारिश आती है, ओला गिरता है, किसान को कहा जाता है भैया देखो आपने पैसा दिया था, मेरा मोबाइल थोड़ी है, आपका पैसा है, मगर हमने वो नीरव मोदी को दे दिया, अनिल अंबानी को दे दिया। अब आंधी आई है, आप जानो आपका काम जाने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मैंने साफ कह दिया है, पहली हरी क्रांति हरियाणा पंजाब में हुई थी। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, पूछिए भैया अब देश को भोजन कौन देता है, बताएंगे पंजाब हरियाणा देता है। मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया है दूसरी हरी क्रांति